हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वन्नास कुक बुक। आज मैं बनाऊंगी मुर्ग मखनी, बेटर नोन एज बटर चिकन। फॉर चिकन लवर्स इट इज अ जेम। सो लेट्स हैव अ लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। ये है 500 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चिकन। रोस्टेड चिकन का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप चिकन को मैरिनेट करके एक पैन में बटर डाल के उसे सियर कर सकते हैं, द वे वी मेक चिकन टिक्का। यह है 2 टीस्पून ऑफ क्रीम, क्रीम जान होती है बटर चिकन की। यह है 3 मीडियम साइज रफली चॉप्ड अनियंस। यह है 3 टोमेटोज जिसे मैंने रफली चॉप कर दिया है। 1 टीस्पून टोमेटो केचप। 2 टीस्पून ऑफ सॉल्टेड बटर। ये है 8 से 10 काजू के टुकड़े। 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा गरम मसाला। 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये है बे लीफ और 2 छोटी इलायची। बटर चिकन के 2 स्टेप्स होते हैं, एक है रोस्ट करना और दूसरा है ग्रेवी प्रिपरेशन। तो हमारा चिकन ऑलरेडी रोस्टेड है, तो यहाँ पे हम ग्रेवी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इस पैन में लेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची। हमें यहाँ ज्यादा खड़े मसालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बटर चिकन ज्यादा स्पाइसी और मसालेदार नहीं होता है। अब हम डालेंगे इसमें रफली चॉप्ड अनियंस। अनियंस को हमें हल्के से सौते करना है, हमें इन्हें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है, जब तक ये सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं हमारे अनियंस को फ्राई करते हुए, ये अच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड टोमेटोज। यहाँ पे हमने 3 टोमेटोज लिए हैं। टमाटर और प्याज की क्वांटिटी हमने यहाँ पे बराबर रखी है। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। सॉल्ट से टमाटर जल्दी गलेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हमें सिर्फ यहाँ पे रंगत देनी है। अब हम डालेंगे 8 से 10 काजू, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही रिच हो जाएगा। 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। हम यहाँ पे ज़्यादा गरम मसाला नहीं यूज़ करेंगे। 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर। शुगर से इसका थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आएगा। एंड 1 टीस्पून ऑफ टोमेटो केचप, इससे इसे टैंगी और स्वीट दोनों ही फ्लेवर मिलेंगे। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा पकाएंगे ताकि जिंजर और गार्लिक का रॉ फ्लेवर चला जाए। बटर चिकन का फ्लेवर काफ़ी सटल होता है, ये चिकन की दूसरी रेसिपीज की तरह ज़्यादा मसालेदार या स्पाइसी नहीं होता। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्टेड बटर। 1 टीस्पून हम बाद में यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सिम पर रख देंगे 15 मिनट के लिए लिड लगाकर, ताकि हमारे टोमेटोज गल जाएं। 15 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। हमारे टमाटर एकदम विल्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस करेंगे बंद और इसे ठंडा करके इस मिक्सचर को हम थोड़े से पानी के साथ में ग्राइंड करेंगे, एक स्मूथ वेलवेटी पेस्ट बनने तक। ये देखिए, हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, करते हैं इसे ग्राइंड। देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये कितना अच्छा ऑरेंज कलर इसमें आ गया है, बट अभी ये काफ़ी थिक है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे स्ट्रेन करेंगे। स्टील की स्ट्रेनर से मैंने इसे स्ट्रेन किया है। देखिए कितना वेलवेटी टेक्सचर हमें मिला है। अभी तक हमने इसमें क्रीम बिल्कुल ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसे पकाएंगे। एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हमारी ये स्मूथ क्रीमी ग्रेवी। इसमें एक बॉईल आने तक हमें इसे पकाना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ बटर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉईल आने पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चिकन के पीसेस। देखिए, बॉईल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड चिकन पीसेस। ये टेक्सचर कितना स्मूथ वेलवेटी है। चिकन के पीसेस का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, एज पर योर चॉइस एंड लाइकिंग। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो चिकन के पीसेस को आप एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल के उसमें सियर कर सकते हैं।
ये देखिए आवर चिकन इज वेल कोटेड इन द क्रीमी ग्रेवी। अब हम इसे लिड लगाकर थोड़ी देर तक पकाएंगे। करीब 10 मिनट हो चुके हैं, आवर चिकन इज डन। अब हम इसे फाइनल टच देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और क्रीम के साथ में। क्रीम और बटर के बिना मुर्ग मखनी या बटर चिकन इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। यह है कसूरी मेथी, इसे मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दिया था। अब हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने के बाद में हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। हम गैस कर देंगे बंद और इसे हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि थोड़ी सी क्रीम मिक्स हो जाए। सो बटर चिकन लुक्स गुड। यू कैन सर्व इट पाइपिंग हॉट विद नान, तंदूरी, कुलचा और लच्छा पराठा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वंदनास कुकबुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।